आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये चाहते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में हमारा 85% आए, लेकिन जब आप ये देखते हो कि सेमेस्टर एग्जाम में जब आप जाते हो और अपनी सीनियर्स से पता करते हो तो आपको लगता है कि भाई 85% लाना तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर तो बैक लगती है। बैक आदमी बचाए कि आदमी परसेंटेज पर ध्यान दे। तो बैक इसलिए लगती है क्योंकि आप सभी को ये मालूम नहीं होता कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें कॉपी कैसे लिखनी है, सेमेस्टर एग्जाम बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में कितना अंतर होता है, यहाँ पे क्या जरूरत है एक्चुअली में कॉपियों में, और आगे आपकी बोर्ड परीक्षा में क्या होती थी। बोर्ड परीक्षा में ये है कि कैसे भी करो भाई, अगर आपने अच्छा खासा कर दिया तो आपके 99%, 98%, 97% ऐसे परसेंटेज आपको बोर्ड में देखने को मिलते हैं। लेकिन आपने रेयरली कहीं सुना होगा कि सेमेस्टर एग्जाम में किसी बच्चे के अच्छी 85% आ गए, ठीक है। लेकिन आप तो चाहते हो ना कि आपका 85% आए, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो इस वीडियो को अगर अंत तक देखोगे तो आपको कम से कम ये तरीका पता लग जाएगा कि 85% लाने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। पहली चीज तो आपको 85% आपको तब आएगी जब आप ये करोगे कि कॉपियों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन सिर्फ कॉपी में अच्छा प्रदर्शन कर देने से, आप अपने जो रिटर्न एग्जाम है उसमें अच्छा प्रदर्शन कर देने से कभी आप 85% नहीं ला पाओगे, क्योंकि 85% लाने में कॉलेज का भी योगदान बहुत ज्यादा रहता है। और कॉलेज की तरफ से बेटा जो आपको नंबर मिलता है ना, कॉलेज की तरफ से जो आपको सेशनल नंबर मिलता है, अगर वो बेहतरीन मिल जाए तो आपका 85% का सफर काफी आसान हो जाता है। क्योंकि कॉलेज जो अपना नंबर देता है और जो आप अपने थ्योरी में नंबर लाते हो, ठीक है, थ्योरी में क्या ही है, आप समझो कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट में 50 नंबर के आपके पेपर आते हैं, यानी कि 50 × 5 यानी कि टोटल आपके 250 नंबर के पेपर आ गए भाई, ठीक है। 250 नंबर के आपके पेपर आ गए, और आप मान करके चलो कि 250 नंबर के आपके प्रैक्टिकल भी हैं, तो सीधे तौर पे ये 500 नंबर आपके होते हैं बस। और बाकी का सारा चीज डिपेंड किस पे करता है भाई, सेशनल पे। कुछ सेशनल पे डिपेंड करता है, कोई डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है, कुछ गेम पे डिपेंड करता है। हर साल आपके गेम होते हैं, गेम में जो पार्टिसिपेट करता है उसको आपका नंबर मिलता है, ठीक है। गेम का 10 नंबर होता है तो 10 में 10 मिल जाता है। डिसिप्लिन में अच्छे से जाओगे तो उसका नंबर मिल जाएगा। ओवरऑल सेशनल और प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिलाकर के अगर बेहतरीन प्रदर्शन हुआ तब जाकर के 85% की जो राह है वो आसान हो पाती है, और फाइनली किसी बच्चे का 85% आ पाता है, ठीक है, ये समझो बात। तो आप अगर पेपर में भाई 50 नंबर का पेपर है, और 50 नंबर के पेपर में अगर आप लगभग मान करके चलो कि हर पेपर में अगर आपने 30 नंबर से ज्यादा लाया, ठीक है, नंबर का बहुत ज्यादा योगदान होता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि नंबर बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। सिर्फ एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ में आप अगर एकदम आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करके आंसर ला रहे हो, और आंसर अगर आपका मैच कर गया तब जाकर के आपको नंबर मिल जाता है मैथ में, ठीक है। और मैथ में ही हम देखते हैं कि किसी बच्चे का 50 में 49 भी आ जाता है, 40 भी आ जाता है, 48 भी आ जाता है। लेकिन बाकी के जो थ्योरेटिकल पेपर हैं उनमें कॉपियों को चेक करने का अंदाज अलग है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि सेमेस्टर एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है। अगर आपने उन दोनों वीडियो को देख लेंगे ना तो फिर आपको ओवरऑल ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी कॉपी कैसे चेक होगी। आपको पेपर भी उसी अनुसार लिखना पड़ेगा तब जाकर के आपका काम होगा, ठीक है। 30 नंबर प्लस अगर आप हर सब्जेक्ट में लाते हैं, हर सब्जेक्ट में बेटा अगर आप 30 नंबर प्लस लाते हैं तो आप जो है 5 सब्जेक्ट में लगभग आप 150 नंबर ला देंगे, ठीक है, समझ में आ गया, लगभग 150। और 150 प्लस अगर आपका नंबर हो गया तो इसका मतलब यह है कि 250 में से आप जो है 150 प्लस नंबर आप सीधे सीधे ला रहे हो, किसमें, प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरी, थ्योरी में। प्रैक्टिकल के नंबर आसान होते हैं, प्रैक्टिकल में वाइवा में प्रदर्शन अच्छा चला गया तो आप समझ जाओ कि आपकी नैया पार हो जाएगी, और वाइवा में ही प्रदर्शन से आपके आगे की चीजें डिसाइड होंगी। वाइवा में अच्छा प्रदर्शन है मतलब आपका काम बन गया, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको नंबर आसानी के साथ मिल जाएगा। लेकिन वाइवा में अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो आप समझो कि बहुत दिक्कत है, ठीक है। इसलिए वाइवा को स्ट्रांग रखो, वाइवा में ही आपका प्रदर्शन सबसे अच्छा मांगता है, ठीक है।
और अगर आपने इस तरीके से कर लिया, आपने सेशनल सही कर लिया, चूंकि ये कॉलेज पे डिपेंड है, और कॉलेज में अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, कॉलेज में अगर आपके टीचर अच्छे से हैं, अच्छे तरीके से आप उनके साथ पेश आ रहे हैं, डेली कॉलेज जा रहे हैं, अटेंडेंस प्रॉपर जा रहे हैं, तब जाकर के आपका सेशनल का काम हो जाएगा। जब सेशनल का काम आपका हो जाएगा तो हर सब्जेक्ट में आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, सेशनल भी हो जाएगा, और जिसका सेशनल अच्छा होता है उसका गेम वगैरह में भी नंबर अच्छा दे दिया जाता है। प्रैक्टिकल में थ्योरी में बेहतर करेंगे तो आपके पास नॉलेज होगा, बस सेम चीज आपकी वाइवा में पूछी जाती है। लेकिन बात यह है कि बाहर से एग्जामिनर आते हैं और उस वाइवा को लेते हैं, और अगर आपने वाइवा में प्रदर्शन अच्छा कर दिया, मतलब आपका काम बन गया, आपको कोई टेंशन लेने की आगे जरूरत नहीं है, आप इतने में ही आप अपना काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको आगे नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से इतनी चीजें आप आराम से समझ पाए होंगे, और अगर आपको इतनी चीजें समझ में आती है फिर तो मजा ही आ जाएगा, आपके सेमेस्टर परीक्षा में 85% आ जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉलेज ही नहीं जाते, तो कॉलेज नहीं जाते हैं और कॉलेज बहुत कम जाते हैं तो सेशनल तो कट गया, सेशनल कट गया तो गेम भी कट गया, कॉलेज नहीं जा रहे हो तो डिसिप्लिन भी कट गया, तो फाइनली यहाँ पे आपको नंबर मिल गया कम। अब आप थ्योरी परीक्षा में चाहे कितना भी बेहतर ला दो, आपका परसेंटेज बनना है सिर्फ 70, 65, 68, 71, 72, इसी के आसपास रहेगा, इससे ज्यादा आपका नहीं जाएगा, बस दैट्स ऑल। समझो बात आप, बात आप ठीक है ना। तो इसलिए मुझे उम्मीद है आपको पता हो गया होगा कि 85% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि खूब पढ़ेंगे तो हमारा 85% आ जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। यहाँ पे जितना आपकी पढ़ाई का योगदान है उतना ही आपके डिसिप्लिन का योगदान है, उतना ही आपके सेशनल का योगदान है, उतना ही आपके वाइवा प्रैक्टिकल्स और भी चीज़ों का योगदान है, क्योंकि नंबर सारे नंबर उसमें जुड़ते हैं, आप याद रखना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा।